नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी युवा जन सभा संगठन विस्तार एवं समीक्षा बैठक हुई संपन्न। सन 2022 में समाजवादी पार्टी की बनी तो विधानसभा में होगा चौमुखी विकास। शमशाद खान जैसी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शमशाद खान जैसी की अध्यक्षता और आयोजक जिला सचिव जावेद अहमद की मौजूदगी में विधानसभा जगदीशपुर के ग्राम सतिथेन में युवा जन सभा संगठन विस्तार एवं समीक्षा बैठक हुई संपन्न। युवा जन सभा बैठक में जिलाध्यक्ष शमशाद खान जैसी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार सपा की लहर चल रही है। प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है तथा वर्तमान सरकार के जुमलेबाजी और झूठे वादों से छुटकारा चाहती है। वही युवा जन सभा प्रवक्ता ने सरकार पर हमला बोलते हुए 4 साल में हुए भ्रष्टाचार अत्याचार से उपस्थित जनता को अवगत कराया तथा सपा प्रत्याशी का खुलकर सहयोग करने का अनुरोध किया। युवा जन सभा के जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद रेवर सिद्दीकी ने कहा कि सपा सरकार आते ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों पर लगे विराम पर फिर से तेजी से कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर फिरोज अहमद, वरिष्ठ सपा नेता जगदम्बा प्रसाद यादव, मुख्तार अहमद, सोनू यादव, असद अहमद, सूरज शुक्ला, कमल यादव, ब्रजेश यादव, राहुल रावत, जितेंद्र गिरी, सोहराब खान, अवनीश त्रिपाठी, मोहम्मद असलम आदि युवा जन सभा पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेठी से उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एक कार्यकर्ता सम्मेलन था और माननीय खेल मंत्री के जन्म दिवस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया माननीय जावेद साहब ने। खेल के दिवस पे हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा था, खेल का भी प्रोग्राम आगे चलेगा। हम लोग एक खेल का भी प्रोग्राम रखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ जाकर बच्चों के साथ खेलेंगे और प्रोग्राम आगे बताएंगे कि माननीय जो खेल जो अपने हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मतलब कि रिकॉर्ड बनाने वाला हॉकी खिलाड़ी जो आपके देश को नाम करने वाला, भारत को नाम करने वाला, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे माननीय राष्ट्रीय खेल का। ये दूसरा सवाल ये कि आपकी पार्टी जो आपका संगठन चल रहा है, लोगों को किन आपकी पार्टी की नीतियों को कैसे बता करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम किस प्रकार से आप कर रहे हैं? हम लोग अपनी बात बताएंगे, किसी और की बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना काम किया है, हम अपने काम को ही बता के पब्लिक में हम लोग जाएंगे, बात करेंगे होटल पे, चौराहे पे, हर जगह अपनी बात ही रख के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम जान लें कि अपना ही काम सिर्फ बता दें बहुत बड़ी बात है। पार्टी के द्वारा किस तरह का क्या कार्यक्रम था? आज हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी युवजन सभा संगठन के जिला अध्यक्ष श्री शमशाद खान जायसी की अध्यक्षता में सचिन की पाक जमीन पर संगठन विस्तार एवं समीक्षा बैठक की। साथ ही मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पे हम लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश की और पदाधिकारियों को जोड़ा गया, जिसमें इसके आयोजक हमारे जिला सचिव युवजन सभा के जावेद भाई रहे और इसका संचालन, कार्यक्रम का संचालन हमारे जिला उपाध्यक्ष फरहान खान जी ने किया, जिसमें जगदीशपुर विधानसभा के आवेदक प्रत्याशी श्रीमती विमलेश सरोज और श्री हनुमान बख्श पासी जी उपस्थित रहे और काफ़ी तादाद में वहाँ कार्यकर्ता वगैरह भी मौजूद रहे। कार्यकर्ता और भी तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी मौजूद रहे, जिनके बीच में समाज 2022 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और उन समाजवादी पार्टी को घोषित प्रत्याशी को जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा घोषित किया जाएगा या यहाँ का प्रत्याशी होगा, उसको समर्थन और सहयोग करने का निवेदन किया। सभी ने अपनी बात बड़ी अच्छे से रखी और आने वाले, उम्मीद है कि आने वाले 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 350 प्लस सीटों का वादा किया है। तो हम उसी सीट में लगे हुए हैं कि हर विधानसभा, जिले की जितनी विधानसभा, सभी में कार्यक्रम कर करके लोगों को जो है वो अपनी बात बताए और लोगों से समाजवादी पार्टी का सहयोग करने का निवेदन करें। धन्यवाद।